मध्य प्रदेश के बैतूल में यूपी में हो रहे लगातार कुकर्म को लेकर महिलाओं द्वारा पुलिस को पत्थर देकर अनूठा विरोध दर्ज कराया गया। बैतूल में महिलाओं ने न मोमबत्ती न ज्ञापन, यहां पत्थर देकर पूरी घटना का अनूठा प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस दौरान आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग भी उठाई गई है। ये हमारे हाथों के ये विरोध है हमारा और ये पत्थर हम सौंपना चाह रहे हैं विरोध स्वरूप की उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक ज्ञापन हमने बहुत बार सौंपे हैं, जब भी किसी ज्ञापन बहुत सौंपते हैं, कैंडल्स हम बहुत जलाते हैं, लेकिन अब कैंडल जलाने से और ज्ञापन सौंपने से काम नहीं चलेगा। इसलिए विरोध स्वरूप ये पत्थर हम सौंप रहे हैं कि ऐसे दुराचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। ये सब देखिए जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसमें मासूम बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे विरोधों को हमने कई बार किया है, जब भी बलात्कार जैसे दुराचार जैसे मामले आए हैं विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपे हैं, कैंडल्स जलाई है, लेकिन अब हमने जो है सख्त एक्शन लेते हुए पत्थर इकट्ठा किए हैं ऐसे बलात्कारियों के विरुद्ध कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, ऐसे आरोपियों को ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएँ इतनी शिथिल है, इतनी अधिक लंबा समय ले लेती है कि लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, न्याय की उम्मीद लगा के लोग रहते हैं। ऐसे कानून जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने चाहिए ऐसे अपराध, और जल्द से जल्द उनके विरुद्ध निर्णय भी होने चाहिए। इसमें ये घटना भी होती है कि पुलिस वालों ने सौंप भी नहीं दी, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि मानवता जो है कहीं ना कहीं तार तार हो रही है। जितना अपराधियों के प्रति संवेदनशील पुलिस का नजरिया रहता है, उतना जो पीड़ित पक्ष है उसके प्रति नहीं रहता है। एक बेटी जिसे हम मतलब जिसे जिसका जन्म परिवार में होता है वो बड़ी होती है और उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है, उसका शव तक उसे परिवार को नहीं सौंपा जाता है अंतिम समय में, क्योंकि प्रशासन के विरुद्ध कहीं ना कहीं ये बात थी। इसलिए पुलिस ने सख्ती से इस काम को किया और अपराधियों को संरक्षण दिया है इस तरह की वारदात को करके। आमतौर पर किसी घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपकर या फिर कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया जाता है, लेकिन बैतूल की महिलाओं ने हाथरस की घटना को लेकर हाथों में पत्थर लेकर रैली निकाली और फिर पुलिस अधिकारियों को पत्थरों से भरी थाली सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया। क्या पूरा मामला? देखिए हाथरस में जो घटना हुई है या इसके पहले भी जहाँ भी जो भी घटनाएं होती हैं, हम नरम मोमबत्ती जला के तो विरोध प्रदर्शन कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो घटनाएं भी नरमी से सरकार ले लेती है। इसीलिए इस बार हमने पत्थर दिए हैं कि जितने कठोर ये पत्थर हैं उतने कठोर आप निर्णय लीजिए उनके खिलाफ, और लगे तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम इन्हीं पत्थरों से उन आरोपियों की जान ले लें, लेकिन मजबूर हैं हम भी कि हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पत्थरों की तरह आप कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले? देखिए चाहे वो दलित लड़की हो, चाहे वो सभ्य घर की लड़की हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, बहू हो, बहन हो, कोई भी हो, हमेशा यही होता है कि जो पीड़िता होती है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो जाती है। यही कारण होता है कि आरोपियों के हौसले कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम निर्भया जैसा जितना टाइम उसको लगा, कम से कम इस निर्भया को इतना टाइम ना लगे, कम से कम उसके साथ में न्याय जल्दी से जल्दी हो। और उसके अलावा आप ये देखिए कि कितना अत्याचार उस पीड़िता के परिवार वालों के साथ कितना अत्याचार हुआ, उनको उनकी बेटी का चेहरा आखिरी टाइम में देखने नहीं मिला, वो बेटी की अंतिम इच्छा, जिसको अंतिम इच्छा तो एक फांसी पे जो मुजरिम को चढ़ाया जाता है उसकी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन वो बेटी की अंतिम इच्छा थी कि मुझे एक बार मेरे घर ले जाना, वो अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं की गई उस बेटी को, तो हम क्या इसको क्या न्याय कहेंगे हम? बहुत बहुत संवेदनशील मामला था, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें सुन के, हम यहाँ पे इतने तड़प रहे हैं, वो परिवार के बारे में हमें सोच के दुख होता है कि वहाँ पे कितने परेशान हो रहे होंगे वो। आपके हिसाब से ये जो घटना घटी है इसका क्या कार्रवाई होना चाहिए? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमें मालूम है कि उनको पकड़ लिया गया है, आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ हिरासत में लेने से 7-7 साल केस चल जाते हैं। तुरंत फास्ट ट्रैक एक्शन कोर्ट के साथ में तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि वो लड़की की 13वीं हो उसके पहले उनको आरोपियों को सजा मिल जानी चाहिए, तब तो ये कम से कम न्याय होगा, तो तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। जेएसआर टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।